सोचो आप बीमार हो और आपकी उससे लड़ाई हो रही है, मर जाएंगे पर शादी तो डॉक्टर से करेंगे। ये किसी भी बैच में चले जाओ, कोई क्लास हो, सिर्फ एक ही विषय जिसपे हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अगर इनमें वीक हुए तो फिर आपका कुछ भी होने वाला, कि अगर उन्हें बोल दिया कि सिलेक्ट नहीं होगा, मैं उनको सिलेक्ट होके कि आज पापा ने बोले अरे बेटा तेरे पे बहुत पैसा खर्च करा है और उसकी वजह से दिमाग खराब हो गया, बोलो यस और नो। क्या आपके स्वभाव की वजह से कई बार आपका समय खराब होता है? हमें पता है कि हम कहां समय खराब करते हैं। क्या एक बार सोचो कि जो आदमी तुम्हें समझा रहा है क्या वो तुम्हारा भला चाहता है? हालांकि मैंने पहले बताया फिर बता रहा हूं, बहुत खतरनाक है। सोचो बीमार हो जाओ आप, अगर आपकी बीवी डॉक्टर है दवाई वही देगी आपको। सोचो आप बीमार हो और आपकी उससे लड़ाई हो रही है, आप सोचो दवाई भी वही दे रही है, तो ऐसा लगता है जहर ले रहे हो आप, इसलिए डॉक्टर से शादी। अच्छा मैं क्या कह रही, मर जाएंगे पर शादी तो डॉक्टर से ही करेंगे। ये किसी भी बैच में चले जाओ, कोई क्लास हो, सिर्फ एक ही विषय जिसपे हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, शादी। मैं कह रहा हूं तुम्हें कोई बच्चा डिप्रेशन में दिखे ना आसपास भी कोई भी, तो उसको ना लिख के भेज देना शादी करेगा। तो वो अलग ही मोड में होगा, वो उसका जीवन अलग ही चल रहा होगा भाई का, है कि नहीं? तुम भी शादी के बारे में सोचते हो क्या? कितने लड़के ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक भी बार शादी के बारे में नहीं सोचा? लड़के लड़के बेटा लड़के, लड़कियों ने भी सबने सोचा, लड़के कह रहे हैं एक बार हर आधे घंटे में सोचते है? क्यों नहीं सोचता? सोचता हूं ये कि शादी पे कुछ फिर भटक गया दिए तुमने यार मेरे को, काम की बात करते हैं। क्या कह रहा था मैं? हाँ, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो बेसिकली एकेडमिक मिस्टेक्स आपको पता पड़ती है, स्किल ये है, इंटरमिंगलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन, स्पीड। अगर इनमें वीक हुए तो फिर आपका कुछ भी होने वाला। स्वभाव, जैसे मान लीजिए मैं इमोशनली वीक था, मुझे किसी ने बोल दिया अरे मेरे फादर के साथ एक काम करा करते थे, उन्होंने बोल दिया अरे वो ऐसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ मेरे साथ हुआ, ऐसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं जिनके जो बच्चे 10th में मेरिट में आ चुके हों, 12th में मेरिट में आ चुके हों, जिनकी 99-95% के ऊपर हो, ऐसे बच्चे IIT में जाते हैं, गुप्ता जी अपने बच्चे का चांस थोड़ा कम है, है ना? तो मेरे को ये बात दिल पे नहीं लेनी चाहिए थी, उनके कहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं 3 दिन तक नहीं पढ़ा। दिस इज रॉन्ग, इसका मतलब ये साइन था इमोशनली वीक होने का, यस और नो? ये मुझे सुधारना चाहिए था, जो अब तो मैं सुधार चुका। हमें उनका फर्क पड़ना चाहिए जो हमारे बहुत नियर डियर एवं से, किसी एरे गहरे से किसी किसी के कहने से हम अपना समय खराब कर लें, सही बात। आपको कोई आपका पड़ोसी बोल दे या आपको आपका कोई भी पास वाला जो कमरे में रह रहा है वो बोल दे यार ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होगा, तेरे को इतना सभी नहीं आता, और तुमने उसे दिल पे ले लिया, वो तय कर सकता है क्या हमारा भविष्य? तो फिर क्यों दिल पे लेना? ये मैं कह रहा हूँ कहना आसान है पर इतना आसान होता। अच्छा बताओ, जिनको रह के तुम अभी इम्पैक्ट ला रहे हो, जो हॉस्टल में रहने वाले हैं, आपको एक वास्तविकता बताता हूँ क्योंकि मैं इस जीवन को जिया हुआ हूँ। जिनके साथ मैं 11वीं 12वीं कोटा में पढ़ा था, वो सब दूसरी जगह के थे, उनसे किसी से भी आज हमारा संपर्क नहीं है। मेरा संपर्क या तो मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे उनसे था या फिर जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे, मतलब मैं कह रहा हूँ जिनकी वजह से आज आप परेशान हो रहे हो ना, हो सकता है इनका इनसे आपका जीवन में कोई संपर्क, जिनको लेके आप परेशान हो रहे हो। और मैं तो कह रहा हूँ जो रिश्तेदार आपको आज परेशान कर दें, जो बोल दें कि यार तेरा नहीं हो सकता, उनके बारे में सुनने की जरूरत, बल्कि उसे जुनून की तरह लीजिए कि अगर उन्हें बोल दिया कि सिलेक्ट नहीं होगा, मैं उनको सिलेक्ट होके, बोलो यस और नो? ये स्वभाव है। अच्छा किसी को फर्क पड़ता है किसी? मैं कहता हूँ जिन जो मेरी तरह होंगे, जो इमोशनली शायद वीक होंगे, उनको फर्क, खासतौर से लड़कियों को। किसी ने बोलो और अच्छा मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कभी कभी पेरेंट्स की गलती, सही नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कभी कभी पेरेंट्स ऐसे बोले, आप उसका प्रेशर अननेसेसरी नहीं लेना है कि आज पापा ने बोले अरे बेटा तेरे पे बहुत पैसा खर्च करा है, ऐसा नहीं हो तेरा सिलेक्शन नहीं हो, तो उसे दिल पे नहीं लेना, उसका अननेसेसरी प्रेशर लेने की जरूरत। मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ, अगर तुम ये बन गए ना 12 से 14 घंटे पढ़ने वाले, अगर गलती, मैं कह रहा हूँ पहली बात तो तुम 14 घंटे पढ़ने वाले बन गए और पूरे मई, तुम्हारा अगला मई में होगा ना, मैं कह रहा हूँ आज भी जिस क्लास में बैठा हुआ बच्चा जो 14 घंटे रोज पढ़ लेगा मई तक, वो कम से कम यहाँ पहुंचेगा, दावे के साथ कह सकता हूँ। बात यह कि इस रिदम को कौन बनाए रखता है, बात यह कि इस रिदम को कौन बनाए रखता है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, रियलिटी सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए ये रिदम बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो ये 12 से 14 घंटे रोज पढ़ लिया, वो हो सकता है कि इसमें आगे पीछे रह जाए, या मैं तो कह रहा हूँ गलती से कभी हो भी सकता है कि न्यूसन ये भी ना मिले, पर वो जीवन में असफल नहीं होगा, दावे के साथ कह रहा हूँ मैं आपको। जो रोज 12 से 15 घंटे रोज पढ़ता हो वो जीवन में असफल हो ऐसा पॉसिबल
ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। असली प्रक्रिया सिर्फ इस सिलेक्शन में नहीं है, असली सफलता इस प्रक्रिया में है जो अभी हम कर रहे हैं। असली असलियत में आदमी कौन सफल होता है? मैं तो अगर आप सेलेक्ट भी हो गए, अब आपने पढ़ना छोड़ दिया तो आईटी में फेल हो जाओगे। अरे यस और नो, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको ज्ञान लेते रहना पड़ेगा, तब बात बनेगी। खैर मैं फिर अगेन मोटिवेशन भी नहीं जाना चाहता, मैं लॉजिकल बातें पे करना चाहता हूं, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। पहली पहली शर्त कि आपको इन, क्या हम इन तीनों पे पहुंचना चाहते हैं? आवाज यार ये छोड़ो, क्या इसकी पहली शर्त है? हार्डवर्क करना पड़ेगा, यानी कि 12 से 14 घंटे रोज। स्ट्रेटेजी का पहला हिस्सा है कि 25,000 सवाल हमें करने आने। सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे, इजी पे, मीडियम पे कि टफ पे? इजी वाले सवालों की हमारी एफिशिएंसी 80 से ज्यादा होनी, तब हम मीडियम वालों पे दुखी होंगे, वरना दुखी पहले इनके लिए दुखी होंगे हम। एकेडमिक मिस्टेक्स आपकी पता पड़ जाएगी, स्किल वाइज मिस्टेक किसकी, क्या कैलकुलेशन वीक है, कि वर्ड्स पर मिनट वीक है, कि सवाल पढ़ लेते हो उसको इंटरमिंगल नहीं कर पाते हो, उसको कैसे सुधारो, स्किल है कहीं, स्वभाव तो खराब नहीं है, गुस्सा तो बहुत तेज नहीं आता, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ईगो आ गई भाई साहब और उसकी वजह से दिमाग खराब हो गया। बोलो यस और नो, ये स्वभाव है। कौन से आपकी स्वभाव का, कौन सा आपका स्वभाव है जिसकी वजह से आपका समय और आपकी मनस्थिति खराब होती है? उसे एनालाइज करिए और उसे सुधारने का प्रयास, इसे कोई और नहीं सुधार सकता। स्वभाव सुधारना, क्या आपके स्वभाव की वजह से कई बार आपका समय खराब होता है? आवाज नहीं आ रही, यस और नो? ईमानदारी से बताओ, क्या आप स्वभाव को जानते हो? सुधारिए। ये कुछ भी हो सकता है, मम्मी पापा से फालतू की बात पे लड़ना, उनको झूठ बोल देना, हो सकता है आप झूठ बोल के उन्हें बेवकूफ बनाते हो, पर क्या मन खराब हो जाता है? ऐसा हो सकता है कि तुमने मम्मी पापा को कभी झूठ बोल दिया कि हाँ मैं तो पढ़ रहा था 4 घंटे, भले तू पिक्चर देख के आया हो, है ना, और तूने झूठ तो बोल लिया, पर एक तो 4 घंटे तूने जो पिक्चर में खराब करे वो तो गए, तेरे 4 घंटे इसलिए और खराब हो गए क्योंकि तेरे को आत्मग्लानी है कि मैंने मम्मी पापा को झूठ बोला था। अरे यस और नो, तेरे असलियत में पिक्चर के 4 घंटे नहीं गए, पूरा दिन चला गया। इससे बेहतर तो ये था कि तू पापा से रिक्वेस्ट करता, मम्मी से रिक्वेस्ट करता कि प्लीज मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को पिक्चर जान दो, आज 3 घंटे देख के वापस आ जाऊंगा। क्या तेरे सिर्फ 3 घंटे खराब होते? अरे यस और नो, हमें पता है कि हम कहां समय खराब करते हैं, हमारे किस स्वभाव की वजह से, हमें पता होना। नहीं आई मेरी बात समझ? जब तक आत्मचिंतन नहीं करोगे, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, सिर्फ अच्छे टीचर के आगे पढ़ाने से तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला? इन तीनों पे काम करना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं, क्या एक बार सोचो कि जो आदमी तुम्हें समझा रहा है क्या वो तुम्हारा भला चाहता है? क्या उसको आइडिया है कि कैसे पढ़ना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना? तो सुनिए इस बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करोगे सिलेक्ट नहीं होगे। जो मैंने अभी तक बोला ध्यान सुनिएगा फिर से, क्या हमें 14 से 15 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा? क्या हम इजी सवालों पे फोकस करेंगे? क्या हम हमारी इन तीनों मिस्टेक्स पे काम करेंगे? एकेडमी के लिए एक्सेल शीट बना लीजिए। एक्सेल शीट कैसे, ध्यान सुनिएगा, एक्सेल शीट ऐसे सुनना, एक्सेल शीट बना लीजिए। एक्सेल शीट बनानी आती है सबको? अरे आती नहीं आती? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 का टैब बना लीजिए। फिजिक्स में ऐसे चैप्टर लिखिए, खटाखट खटाखट खटाखट, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में भी 2-3 चैप्टर चाहो तो लिख लो, फिर अपना एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क ऑन एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल, एसएचएम, साउंड वेव, अपना वेव, इन सारे चैप्टर को आप लिख दीजिए, हीट, हीट 1, हीट 2, जितने भी चैप्टर, सारे चैप्टर लिख लीजिए, 30 चैप्टर जितने भी यहां पर हैं, और उसमें लिख लीजिए कि क्या मेरी थ्योरी क्लियर है, ऐसे, क्या मेरी थ्योरी क्लियर है, क्या मैंने एक्सरसाइज 1 कर रखी है, क्या मैंने एक्सरसाइज 2 कर रखी है, कम से भी कम आपका कंप्लीट मान लो कि जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो और एक्सरसाइज 2 का लेवल 1 कंप्लीट हो, इसको आप कंप्लीट मानोगे। फिर उसके बाद आपके एक्सरसाइज 2 का लेवल 2 PYQs, एक्सरसाइज 3 PYQs भी, जेई मेन के, जेई एडवांस के, एग्जाम क्रैकर, मटेरियल की कोई कमी? तुम्हें 25,000 सवाल करने को कह रहा हूं, मेरे पास 7.5 लाख सवाल हैं। कितने? 7.5। सवालों का टेंशन छोड़ दो तुम लोग, क्या तुम्हारे को युद्धाभ्यास में अनंत सवाल मिलते हैं? जो चाहो अटेम्प्ट करो, सवालों की चिंता छोड़ दीजिए आप। 7.5 लाख सवाल हमने क्यों बनाए उसका कारण अलग है, वो भी समझ में आ जाएगा तुम्हें। हमें मजा नहीं आ रहा था इतने सवालों पे पैसे खर्च करने में। 7.5 लाख सवाल किसी के पास होते नहीं, हमारे पास क्यों है? क्योंकि हमें वो मशीन चलानी नीचे चल रही है जिसे आप ढंग से यूज नहीं लेते हो। हर बच्चे के लिए सवाल अलग आना है तो हमारे पास वैरायटी, हर वैरायटी में मल्टीपल लेयर के सवाल होने, क्योंकि इसकी मिस्टेक अलग है देवांशी की, इसकी अलग है, तो हमें उनकी मिस्टेक्स के हिसाब से उनके सवाल आने। खैर उसमें मैं अभी बात कर लूंगा, क्या ये अपन बना सकते हैं ये एकेडमिक वाइज? अब जिसकी थ्योरी नहीं क्लियर हुई कोई बात नहीं यार, मान लीजिए कोई चैप्टर, मैं तो कह रहा हूं किसी को एनएलएम यहां पे खत्म हो चुका पर मुझे नहीं आता, क्या आप मन से सोचे क्या एनएलएम में एक बार लेक्चर वापस ऐप से देख के समझ सकता हूं? अगर लगता है कि ठीक है, और मैं तो कह रहा हूं तब भी नहीं लगता, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं 13 में चल रहा होगा, जाके अटेंड कर लो। पर फिर मैं कह रहा हूं दोबारा क्लास अटेंड करने के ज्यादा फीवर में मैं, टाइम जाता है। अरे ये सुन लो, अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो बात अलग है, बाकी क्या अपन एक बार अगर कर चुके हैं तो क्या ऐप पे देख के समझ सकते हैं? डाउट काउंटर पर आइए, बात बन जाएगी। अरे यस और नो, हमारे टाइम पे जैसे कोई सॉल्यूशन नहीं थे, अब तो सारे सॉल्यूशन है आपके पास। अरे है कि नहीं यार? बहुत आराम से। फिजिक्स में तो अभी मेरे एनिमेटेड लेक्चर आने लगे हैं, आपने देखे हो तो,
कोई चैप्टर तुम्हारा बेकार नहीं रहेगा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। एक बार पढ़ लो यहाँ पे, जब जब टाइम मिलता रहे उसे दो की स्पीड पे देख लो। खैर मैं फिजिक्स पे अभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, पर मेरे एनिमेटेड लेक्चर देखे हैं क्या? अब बिल्कुल बेसिक से आएंगे वो, बिल्कुल बेसिक से, वो बिल्कुल 11-12 के हिसाब से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए गए, और धीरे धीरे सारे अपलोड हो जाएंगे, सारे रिकॉर्ड करें मैंने धीरे धीरे करके उनको अच्छे से, बिल्कुल तबीयत से, उसमें ज़्यादा हंसी मजाक नहीं, क्लास वाले नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। वो इसलिए मैंने डाले कि एक बार क्लास में होने के बाद अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो देख लो, बात कुछ नहीं हटकेगा आपका, किसी भी सेक्शन में हटेगा। खैर उसको छोड़िए, क्या हम ये